हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले लिबर्टी शूज कंपनी के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल्स एज वेल एज आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और इन फ्यूचर इस कंपनी में आपको किस तरह का स्कोप देखने को मिल सकता है, एज वेल एज टेक्निकल व्यू पॉइंट आपका क्या होना चाहिए इस कंपनी में, आपको कौन से प्राइस पे कौन से करेक्ट प्राइस पे आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि लिबर्टी शूज कंपनी जो कि एक ऐसी कंपनी जो कि जिसका जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है वो किसके ऊपर चलता है, दैट इज ट्रेडिंग ऑफ दैट इज फुटवेयर एज वेल एज एसेसरी थ्रू इट्स रिटेल एंड होलसेल नेटवर्क। सो आपको पता होगा कि लिबर्टी शूज के जो है बहुत सारे आपको जो है जो शॉप्स होती है वो आपको जरूर देखने को मिलती है, बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन अगर हम इसकी वेबसाइट को भी हम विजिट करते हैं तो उसके ऊपर जिस तरह से हमें लिखा हुआ रहा है कि अगर समझ लो आप लिबर्टी शूज की जो स्टोर्स है अगर वो बंद भी है तो उसके कारण भी आप अपने जो घर पे हैं ऑनलाइन उनकी खुद की वेबसाइट बहुत ही अच्छी खासी वेबसाइट है तो उसके थ्रू भी जो है आप अपना आप जो फुटवेयर से या फिर कोई भी एसेसरीज जो आप मंगाना चाहते हो वो उसके थ्रू मंगा सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इस कंपनी के बारे में और कंपनी का बिजनेस सेगमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा और बहुत ही अच्छे अच्छे इस कंपनी के जो बिजनेस के न्यू जो मॉडल्स होते हैं डेट इज़ फुटवेयर रिलेटेड वो भी कई ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर करंटली अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप है 364.83 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप जरूर बना देता है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़, बीटा है इसका सिर्फ 0.8 जो कि आपको बताता है कि अगर इंडेसिस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो ऑन एन एवरेज बेसिस पर आपको भी शेयर के अंदर 0.8% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली अगर हम इसको इस शेयर को डेट इज लिबर्टी शूज को अगर इंडस्ट्री के प्राइस टूअर्निंग के हिसाब से भी कंपेयर करें जो कि है 88.73 और इस शेयर का जो प्राइस टूअर्निंग निकल कर आता है वो है 45.26। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखें तो 1.96 का प्राइस टू बुक है और बुक वैल्यू शेयर की 109.38 रुपीज़। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से करें यहाँ पर बात करें तो मार्च 2020 में भी कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट मार्च 2021 कंपनी की एज वेल एज टॉप एंड एज वेल एज बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पर आपको क्लियरली इफेक्ट देखने को मिल रहा है ड्यू टू द कोविड सिचुएशन एज वेल एज बहुत सारे शॉप्स जो थे वो बंद होने के कारण जो कंपनी का बिजनेस रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें भी आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। बट कंपनी ने अच्छी बात यह है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कंपनी ने यहाँ पर लॉस जनरेट नहीं किया है, बट पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस हमें दिया है तो उनके बारे में भी हम बात करने वाले इन फर्दर फ्यू स्लाइड। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर का निवेश इस कंपनी में 59.3% है जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में निवेश है 40.7%। हालांकि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है बट उसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी शूज बहुत ही अच्छी कंपनी जरूर है बट उसके साथ साथ में अगर इस कंपनी में इंटरेस्ट है FII का DII का म्यूचुअल फंड हाउसेस का होता तो और ज़्यादा आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट देखने को मिल सकता था। रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करता है कि पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है हमें तो दिसंबर 2020 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो दिसंबर 2020 में कंपनी के यहाँ पर जो टोटल इनकम थी वो थी 147 करोड़ रुपीज़, उसके सामने कंपनी ने यहाँ पर 5 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2021 में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 162 करोड़ रुपीस और उसके ऊपर कंपनी ने यहाँ पर 6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है जो कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको बढ़ते हुए देखने मिल रहे थे जो कि आपको जो सेकेंड वेव का जो इम्पैक्टफुल आपको यहाँ पर देखने मिल रही है जून 2021 ये 3 मंथ के क्वार्टर के अंदर तो कंपनी के टॉप लाइन के अंदर भी आपको डाउन टर्न देखने मिला और वो हो चुका है 97 करोड़ रुपीस एज वेल एज कंपनी ने यहाँ पर 3 करोड़ रुपीस का लॉस जनरेट किया है। सो पॉसिबिलिटी है कि अगर जो कंपनी का जो नेक्स्ट Q2 आता है उसमें कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन एज वेल एज कंपनी का जो रिजल्ट वो काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिले एज ऑन द फैक्ट कि कंपनी का पिछला क्वार्टर इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है और अभी हालांकि बहुत जगह पे यहां पर जो है लॉकडाउन की जो सिचुएशन है वो ओपन हो चुकी है, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी यहां पर हमें देखने को मिला है। सो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का यहां पर एक अच्छा सा आपको प्रॉफिटेबल स्टेट यहां पर देखने को मिल सके। रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो बिजनेस सेगमेंट दैट इज जो कंपनी शूज फुटवेयर एसेसरीज उस रिलेटेड जो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है उसमें प्रॉफिटेबल स्टेट लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जस्ट एज ऑफ की कंपनी एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा होते हैं मेंटेन करना पड़ता है मॉल्स को एज वेल एज बहुत सारी चीजों को। सो उसके कारण भी अगर हम यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखें तो कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाता है तो वो था इस कंपनी का 19 मार्च में 3.9% मार्च 2020 में बढ़कर हो चुका था 5.9% एज वेल एज मार्च 2021 में यहाँ पर गिरकर हो चुका है 0.13%। ROC की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो आपको उधर की कंपनी के मार्केट में जितना भी कैपिटल मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी उसके ऊपर कंपनी यहाँ पर
कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2019 में वो था 14.16% जो कि मार्च 2020 में गिरकर हो चुका था 9.16% एज वेल एज मार्च 2021 में और ज़्यादा यहाँ पर गिरकर हो चुका है 5.88%। आरओ की अगर मैं बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो आप उधर की कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स है उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंट प्रॉफिट जनरेट कर पाता है, तो वो था इस कंपनी 2019 में 1.63% मार्च 2020 में 1.71% एज वेल एज मार्च 2021 में 0.04% का ही कंपनी का आरओए परसेंटेज मार्क हुआ है। सो कंपनी रिटर्न रेश्यूज इतने ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं थे जितनी कि हमने यहाँ पर बहुत सारी कंपनी का हमने शेयर सीज किया है। बट उसके साथ साथ में अगर हम कंपनी के लेवरेज रेश्योज देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी है जो कि आपको पिछले 2019 में 0.61 का डेट टू इक्विटी था जो कि 2020 मार्च में बढ़कर हो चुका था 0.66 और मार्च 2021 में जो कंपनी का डेट है वो यहाँ पर आपको कम होते हुए देखने को मिला है, तो ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव बात होगी। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर परसेंटेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो था इस कंपनी 2019 में 1.92%, मार्च 2020 में 1.93% एज वेल मार्च 2021 में 1.2% कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज मार्क हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में यह बता रहा है कि कंपनी की क्या कैपेसिटी इंटरेस्ट पे करने के लिए जितनी मार्केट में जो पेमेंट्स होते हैं उसके कारण जो कंपनी का जो पेमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी ज़्यादा स्टेबल एज वेल एज अच्छी है। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज शेयर ने बहुत ही अच्छा से पर आपको पॉजिटिव मूवमेंट दैट इज 19.98% की तेजी के दैट इज 214.1 पे इसने क्लोजिंग दैट इज बहुत ही अच्छी खासी तेजी। आपको इस शेयर के प्राइस पे देखने को मिली जस्ट एज ऑफ द वीक इसका जो प्रीवियस हाई प्राइस था उसको एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और बहुत अच्छा सा सस्टेन किया अच्छा सा अपर लेवल पे, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर अपर मूवमेंट में देखने को मिला है। 5 ईयर हाई प्राइस भी इसका है 310 रुपीज, अभी भी ऑलमोस्ट यहां पर 100 रुपीज अपने 5 ईयर हाई प्राइस से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो अभी भी अगर आप निवेश करते हो तो करंट मार्केट प्राइस की तो आपको एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म व्यू में देखने को जरूर मिल सकता है। बट मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर ये शेयर के अंदर फिर से करेक्शन आता है 189 या 190 के प्राइस लेवल पर अगर ये शेयर फिर से आता है तो मेरे हिसाब से आपको तब इस कंपनी में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको लिबर्टी इशूज लिमिटेड कंपनी का जिस तरह से हमने अभी शेयर एनालिसिस किया और उसके ऊपर आपको किस तरह का आपको व्यू पॉइंट बनाना है कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना और कौन कौन से की पॉइंटर्स जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखने चाहिए, तो वो सब आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।